सो वेलकम टू द चैनल गाइस, माय नेम इज अंश और आप देख रहे हो अपना फैंटास्टिक ब्लॉग। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी हमारी 4D इको स्पोर्ट की लाइट्स के ऊपर, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि 4D इको स्पोर्ट के टाइटेनियम मॉडल में कैसे हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसी के साथ साथ इन हेडलैम्प्स का रात के टाइम में कैसा रिस्पॉन्स रहने वाला है, इनकी लाइट का थ्रो कैसा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं मेंटास्टिक की एक और नई वीडियो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मेरी जो कार है वो 4D इको स्पोर्ट है और टाइटेनियम मॉडल है, और टाइटेनियम मॉडल में आपको किस टाइप का हेडलैम्प यूनिट देखने को मिल जाता है, चलिए कार के बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको 4D इको स्पोर्ट टाइटेनियम के हेडलैम्प्स। तो आ चुके हम लोग गाड़ी के बाहर, और मैं आपको बता दूं कि 4D इको स्पोर्ट के टाइटेनियम मॉडल में आपको कुछ इस टाइप का हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, और इस टाइम गाड़ी जो है लॉक है। और इसकी मैं बता दूं यहाँ पे सबसे पहले आपको LED DRL यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको एक हाई बीम का रिफ्लेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको लो बीम के साथ एक प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है। इन सभी की लाइट्स का जो कलर है वो आपको येलो देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो LED DRL हैं ये एज अ पार्किंग लाइट भी काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे इस टाइम मेरी कार लॉक है, और जैसे कि मैंने गाड़ी को अनलॉक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ब्लिंक करती हुई दिख रही होंगी, बट ये रियल लाइफ में ब्लिंक नहीं करती हैं, वो कैमरे की वजह से आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही हूँ। और जैसे ही मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन करूँगा वैसे ही ये LED DRL अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ ऑन होंगे। तो इसी के साथ साथ लाइट का रिस्पॉन्स आपको दिखाने के लिए फिलहाल के लिए मैं अंदर से जाके सारी लाइटों को ऑन कर देता हूँ, और तब आपको इन लाइटों के बारे में अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी कार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे LED DRL जो है वो ऑन हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपको लाइट मिल रही है ये आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल रही है जो कि लो बीम के साथ ऑन होती है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर लाइट्स मिल जाते हैं, नॉर्मल रिफ्लेक्टर जो कि येलो बल्ब के साथ आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको नीचे फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है जिसकी प्लेसमेंट यहाँ है, अगेन यहाँ पे भी आपको येलो हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट की गई है। अगर इसका मैं आपको हैजार्ड लैंप ऑन करके दिखाऊं फिर इसके बाद आप इसको अच्छे से देख पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी लाइट्स जो कार की ऑन हो चुकी हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने नीचे यहाँ पे हैजार्ड लैंप ऑन कर दिए हैं, जिस वजह से यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो आप DRL देख रहे हो ये अभी जो है लो ब्राइटनेस के साथ ऑन है, क्योंकि मैंने जो कार की हेडलैम्प हैं वो ऑन कर दी हैं, और जैसे ही मैं कार की लाइट्स ऑफ करता हूँ तो ये DRL अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ ऑन हो जाते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको लाइट्स को सभी को बंद कर देता हूं, तब आपको इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा वीडियो में पता चलेगी। तो यहाँ पे मैंने इको स्पोर्ट की सारी लाइट्स जो हैं ऑफ कर दी हैं, अब इसी के साथ साथ इग्निशन ऑन है, गाड़ी मेरी स्टार्ट है, और मैं आपको बाहर चल के यहाँ पे इन DRL की ब्राइटनेस चेक करवाता हूँ, जो कि आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इस टाइम आपको देखने में लग रही होगी। आप इधर का भी अगर चेक करो तो यहाँ पर भी आपको LED DRL की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही होगी। तो गाड़ी के फ्रंट हेडलैम्प्स के बाद चलते हैं गाड़ी के रियर साइड में, और रियर साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के टेल लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल हैं और बिना LED के हैं। यहाँ पे अभी कम ऑन फोर्ड यार, मतलब मारुति से कुछ सीखो यार, मारुति इस टाइम पर भी अपनी मैक्सिमम कार्स में LED टेल लैम्प्स दे रही है और आप अभी भी यही पुराने बल्ब वाले चला रहे हो, कम ऑन, मतलब थोड़ा तो ग्रो अप हो जाओ यार। खैर, कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे टेल लैंप यूनिट देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपका नॉर्मल ब्रेक लाइट देखने को मिल जाती है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है जो कि ब्रेक अप्लाई करने पे ये LED जलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर आपको नीचे रिफ्लेक्टर्स प्लस रिवर्स लाइट देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इस वाली लाइट में आपको यहाँ पर रियर डोर को या फिर बूट को एक्सेस करने का यहाँ पर लीवर मिलता है, और 4D इको स्पोर्ट में ये डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि 4D इको स्पोर्ट के टाइटेनियम मॉडल में आपको किस टाइप के हेडलैम्प्स प्लस टेल लैम्प, फॉग लैम्प ये सब देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं सीधा नाइट मोड में, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इन लाइटों का रिस्पांस कैसा है, क्योंकि ये स्टॉक हेडलैम्प्स हैं, मैंने इनमें कोई भी छेड़खानी नहीं करवाई है। जो हेडलैम्प यूनिट है, चाहे वो DRL है, प्रोजेक्टर हो, वो सब टाइटेनियम मॉडल में
फैक्ट्री फिटेड ही आता है, मैंने उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करवाई है। तो चलिए चलते हैं सीधा नाइट मोड में, और वहां पे आपको इन लाइटों का रिस्पांस दिखाता हूं कि इन लाइटों का थ्रू कैसा है और कैसा इसका रिस्पांस है, हाईवे पे ड्राइविंग कैसी है, सभी बातों को इस वीडियो में आज आपको पता चल जाए। तो चलिए चलते हैं सीधा नाइट मोड में। तो नाइट मोड हो चुका है ऑन, और इसी के साथ साथ जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि रात का वक्त हो चुका है, और अब बारी आती है कि फोर्ड इको स्पोर्ट के इन स्टॉक हेडलैम्प्स का आपके संग रिस्पॉन्स शेयर किया जाए कि कैसा है इनकी स्टॉक हेडलैम्प्स का रिस्पॉन्स, कैसा इनका लाइट का थ्रो है, और इसी के साथ साथ रात के टाइम में क्या ये लाइट सफिशेंट है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और इसी के साथ साथ अब तक आपने वीडियो में एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि मेरी जो कार है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो उसका रीज़न भैया ये है क्योंकि मैं अपने होम टाउन लखीमपुर में नहीं हूँ, और इस टाइम मैं आया हुआ हूँ UP 43 में। तो आप लोगों को गेस करना है कि UP 43 कहाँ का है, जिसको भी नहीं पता है गूगल करके सर्च कर लेना। और यहाँ की खास बात ये की है कि यहाँ पे ना बारिश कुछ ज़्यादा ही होती है, और भैया बारिश ज़्यादा होती है और ब्लैक कलर है, तो इतना मेनटेन रख पाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए गाड़ी गंदी है, उस बात को आप इग्नोर करो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि गाड़ी हम लोग ने साइड में लगा रखी है और एकदम अंधेरा हो रखा है, और इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इग्निशन ऑन है, और गाड़ी के जो LED DRL हैं वो अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ चल रखे हैं। और जैसे ही मैं पार्किंग लाइट ऑन करता हूँ, गाड़ी के जो LED DRL हैं उनकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। और अब जैसे ही मैं फॉग लैंप्स ऑन करता हूँ, तो इस टाइम आप जो देख रहे हो वो पार्किंग लाइट जो LED DRL हैं और इसी के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ फॉग लैंप ऑन है। और इसी के साथ साथ इसके बाद मैं हेडलैम्प्स को ऑन करता हूँ, तो हेडलैम्प्स को जैसे ही मैं एक बार ऑन करता हूँ, और यहाँ पे हमारे लो बीम जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो ऑन हो जाते हैं। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स ऑन हैं। अब इसी के साथ साथ मैं जैसे ही इसको हाई बीम पे सेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस टाइम जो रिस्पांस है वो सारी लाइटें ऑन हैं, गाड़ी का प्रोजेक्टर ऑन है, हाई बीम ऑन है, इसी के साथ साथ फॉग लैम्प प्लस पार्किंग लाइट सब चीज़ें ऑन हैं। अब इसके बाद चलते हैं हाईवे पे और आपको दिखाते हैं कि इन लाइट्स का कैसा रिस्पांस है, हाईवे पे इसकी विजिबिलिटी और लाइट का थ्रो कैसा देखने को मिल जाता है। तो आ चुके हैं हम लोग हाईवे पे, और जैसा कि आप देख सकते हो कि इस टाइम जो है लाइट्स यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं। मतलब कार की हेडलैम्प्स को आप छोड़ दो, यहाँ पे आप पोल की लाइट को देखो, यहाँ पे LED इतनी सारी लगी हुई हैं कि ज़रूरत ही नहीं है कार के हेडलैम्प्स की। पता है मतलब अभी तो चलो ब्राइटनेस फुल है ही सड़क पर भी और कार की भी, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट देखने में लग रहा होगा। बट बात तब है जब एकदम डार्क अंधेरा हो और वहाँ पे कार की लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दें, तब बात है। तो फिलहाल के लिए चलते हैं किसी अंधेरे वाली जगह में, और वहाँ पे आपको इन लाइटों का रिस्पांस अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये यहाँ से चौराहा आ गया, मैं यहाँ से लेफ़्ट लेता हूँ, लेफ़्ट इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिया है। अब इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं अपनी रोड पर, और जैसा आप देख सकते हो मैं लेफ़्ट साइड मुड़ गया हूँ। अब इस रोड पे जैसा कि आप देख सकते हो कि लाइट जो है काफ़ी कम है, मतलब पिलर्स वगैरह की जो पोल वगैरह पे लाइट लगी होती है वो काफ़ी कम है, उतना जो है रोड पे रोशनी नहीं है, तो कार की रोशनी से ही काम चलाना पड़ रहा है। और तो इस टाइम जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका है, और इस टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ कार के जो लो बीम्स हैं जो कि प्रोजेक्टर के साथ आते हैं वही ऑन कर रखे हैं। और आप देख रहे हो जैसे आगे एक और इको स्पोर्ट जा रही है, पुराना मॉडल है बट इको स्पोर्ट की बात ही कुछ और है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लो बीम ऑन कर रखी है जिसका रिस्पांस आप खुद देख सकते हो। और पर्सनली मैं बताऊँ तो इसकी जो लो बीम है ये सिटी में ड्राइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ना तो किसी सामने वाले की आँखों में चुभती है और ना ही इसका थ्रो आपको कम लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इको स्पोर्ट की लाइट्स कमज़ोर हैं, हेडलैम्प्स का रिस्पांस बनाओ, तो ये वीडियो मैं उसीलिए बना रहा हूँ। बट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो पुरानी वाली इको स्पोर्ट जो पहला जनरेशन आता था उनकी लाइट्स में प्रोजेक्टर आपको कुछ मतलब प्रोजेक्टर में नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्टर लाइट ही मिलती थी जिसका रिस्पॉन्स ऑब्वियस ही बात है काफ़ी कम था। बट अब जो इको स्पोर्ट आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है हेडलैम्प्स के मामले में, और इनमें आपको डुअल सेटअप मिलता है, मतलब प्रोजेक्टर भी मिल जाता है, उसी के साथ साथ हाई बीम के लिए एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, और बड़े बड़े इसके फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं, जिससे इन तीनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के आता है। और अभी तक आप देख सकते हो मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ, अंधेरे वाली रोड कंडीशन है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लो बीम ऑन है। आप देख सकते हो ट्रक के कहाँ पे लाइट पड़ रही हो, जैसे ही आप देखो मैं डिपर मारता हूँ
तो ये डिपर देखो आप कितना जबरदस्त मतलब रिस्पांस दे रहा है। जो मेरी कार है वो फोर्ड इको स्पोर्ट की टाइटेनियम मॉडल है, और टाइटेनियम मॉडल में इसमें एचआईडी नहीं आती है, बट जो इसका टॉप एंड टाइटेनियम स्पोर्ट्स मॉडल है उसमें आपको एचआईडी मिल जाती है व्हाइट कलर की, जिसका रिस्पॉन्स इससे भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बट फिलहाल के लिए मैंने इसमें कोई भी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन नहीं कराया। ये जो लाइट्स हैं फोर्ड इको स्पोर्ट की, ये स्टॉक हैं, कस्टम है, फैक्ट्री फिटेड हैं, मैंने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करवाई है, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट लाइट देती है, बल्कि मोर देन सफिशिएंट है यार, मतलब इतनी लाइट मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप तीनों ऑन करके चल रहे हो, देखो मैंने इस टाइम रिलायंस पेट्रोल पंप आप लेफ्ट में देख सकते हो 81.15 रेट लिखा है डीजल का, सॉरी पेट्रोल का, चलो कोई नहीं इसको इग्नोर करते हैं। और फिलहाल के लिए मैं जैसे लाइट के बारे में बता रहा था, आप देख सकते हो कि मैंने इस टाइम सारी की सारी लाइट्स ऑन कर रखी हैं। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आगे चल के, यहाँ पे आगे ट्रक जा रहा है, इस टाइम लो भी ऑन है, उसी के साथ साथ मैंने फॉग लैंप्स भी ऑन कर दिए, और यहाँ पे मैं डिपर मार के दिखाता हूँ तो देखो आपको कितना जस्टिस हो रहा होगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे हाई बीम कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको ओवरऑल जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आ रही होगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हो सामने वाइट कलर की लाइट्स के साथ क्रेटा आ रही है, जिससे कि मतलब थोड़ा सा सामने वाले की आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो यार ये सब चीज़ें ना किया करो, मतलब अगर आप एच आई डी लगा रहे हो तो उसको लो बीम के प्रोजेक्टर पर ही रखा करो, वरना सामने वालों की आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है इतना तो यार आदमी के अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। खैर फिलहाल के लिए आप देख सकते हो लो बीम और फॉग लैम्प, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस टाइम दिख रहा होगा। लाइट्स डिसेंट हैं, सफिशिएंट हैं। अगर कोई कहता है कि भाई फोर्ड इको स्पोर्ट की लाइट कमज़ोर है, तो आओ एक बार चला के देखो, टेस्ट ड्राइव करो, खुद फैसला करो, कहीं सुनी बातों पे मत जाया करो। तो फिलहाल के लिए अब हम चलते हैं घर। लाइट्स का रिस्पांस आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा, नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इन सभी की जो फोर्ड इको स्पोर्ट की लाइट्स हैं वो अगर आप लो बीम पे चलाते हो प्रोजेक्टर के साथ सिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। हाईवे पे अगर आप चलते हो तो हाई बीम प्लस फॉग लैंप्स का यूज़ करो, आपको कभी भी लाइट्स इसकी कमज़ोर नहीं लगने वाली हैं। तो ओवरऑल इसकी फोर्ड इको स्पोर्ट जो नहीं आ रही है आज के टाइम में, प्रोजेक्टर और ओवरऑल सेटअप के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप सभी को टाइटेनियम मॉडल ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर, LED DRLs ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी कार काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, और मैं सोच रहा हूँ कि अपनी इस गंदी कार को साफ़ करने की एक वीडियो, मतलब कि अपनी ब्लैक कार को मैं किस तरीके से मेंटेन करके रखता हूँ इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बना दूँ, कि मैं क्या क्या उस पर पॉलिश यूज़ करता हूँ, किस तरीके से साफ़ करता हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पोल में आंसर दे सकते हो, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो। फिलहाल के इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आई होप सो लाइट्स का रिस्पॉन्स आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट करें मत जाइएगा, लाइक किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलना। Till then, bye bye and stay fantastic and stay tuned for more interesting videos like this, and thanks for watching.